पिछले करीब 13 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर सर्द रातों के बीच धरती पुत्र अपना आंदोलन चला रहे हैं। आंदोलन में किसानों के अलावा महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। यह आंदोलन सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ है। किसानों का कहना है कि जब तक ये 3 कानून रद्द नहीं होते तब तक वह आंदोलन की राह पर रहेंगे। किसी प्रकार की राजनीति नहीं चाहते, वह अपनी जायज मांगों को लेकर सड़कों पर हैं, लेकिन घमंडी सरकार उनकी सुध नहीं ले रही। जब तक सरकार इन कानूनों को रद्द नहीं करती वह इसी राह पर रहेंगे। किसान नेताओं का कहना है कि यदि यह कानून लागू होते हैं तो किसान मरने की कगार पर आ जाएगा। आत्महत्या करने से बेहतर है कि वह अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग दे, तो उन्हें कोई मलाल नहीं होगा। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और इस समय मैं मौजूद हूं अपने कार्यालय के पास, और इस समय मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान जी। इनके बारे में आपको एक और जानकारी दे दूं कि जब आंदोलन की शुरुआत होनी थी, आंदोलन की शुरुआत से पहले ही करनाल से कई चर्चित किसान नेताओं के जो चेहरे हैं उनको पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था। रतन मान जी को भी 22 तारीख की रात को करीब 1:30 बजे इनके घर से पुलिस द्वारा ज़बरदस्ती उठा लिया गया था और उनको 6 दिन तक जेल में रखा गया। 28 तारीख को उनको रिहा कर दिया गया। उसके बाद रिहा होने के तुरंत पश्चात ये दिल्ली की तरफ रवाना हो गए, जहां इनके बाकी किसान भाई बैठे थे धरने पर। इनका ये भी कहना था कि जहां मेरे भाई रहेंगे मैं वहां पर रहूंगा। आज मुख्य तौर पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रतन मान जी। रतन मान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। और जो किसान आंदोलन आज पूरे देश में नहीं बल्कि विश्वव्यापी ये किसान आंदोलन बन चुके हैं, और जो 3 काले कानून हैं उनकी खिलाफत के लिए, उनसे पीछा छुड़वाने के लिए आज देश का किसान अपनी शांतिप्रिय तरीके से लड़ाई लड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी संख्या में देश में किसानों का जाना, और करीब 1 दर्जन दिन हो गए हैं, 13वां दिन है, और शांतिप्रिय तरीके से अपना ही खाना, अपना ही रहना, अपने इंतजाम खुद करना। सबसे बड़ी एक मेरे किसान भाइयों के मैं ये और अपने किसान नेताओं को इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि दिल्ली के जो चारों तरफ किसान है शांतिप्रिय तरीके से बिना तोड़ फोड़ के, और कि जो उसके चाहे सरकार ने जो मर्जी किया हो किसान के साथ, जब किसान दिल्ली की तरफ जा रहा था सुबह इसके घोड़े बैरिकेड्स आपने भी देखा है तो कितना मतलब किसानों का विरोध किया गया। और इसी दौरान हमें घर से पुलिस ने दीवार फांद के बड़े एक ऐसे जैसे किसी को टेररिस्ट को गिरफ्तार किया जा रहा हो, किसी बदमाश आदमी को गिरफ्तार किया जा रहा हो, ऐसे तरीके से रात को 1:30 बजे हमें जबरन घर से उठा करके गाड़ियों में डाल करके जेल में डाल दिया। और लेकिन हमारे कदम फिर भी रुकने वाले नहीं थे, ना रुके। और उसके बाद हरियाणा से किसानों का तांता, जब हम दिल्ली की तरफ जेल से छूट कर चले तो हरियाणा की तरफ से पूरा किसानों का तांता काफिले शुरू हो गए, और आज बेहतर स्थिति में किसान पूरी ताकत के साथ अपने आंदोलन में वहाँ मौजूद है। रतन मान जी, ये बताइए, सरकार के साथ 5-2 से ज़्यादा की वार्ता हो चुकी है, सरकार द्वारा कई प्रलोभन दिए जा चुके हैं, लेकिन किसान है कि वो अपनी मांगों पर अड़ग है। आखिर इसके पीछे हम सरकार की मंशा को गलत बोलें कि आखिर क्या मंशा हो सकती है सरकार की, वो आपको किस तरह से अपना आपके जो मार्ग हैं, जो आपका जो रास्ता जो आपने चुन रखा है, जो शांतिप्रिय धरना आप दे रहे हैं, जो शांतिप्रिय आंदोलन आप कर रहे हैं, आपको उस मार्ग से हटाना चाहती है, आपका ध्यान भटकाना चाहती है। इसके पीछे सरकार की जो 5 दौर की वार्ता विफल हुई, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हम किसको माने? देखिए, जो आपने प्रलोभन की बात करी, प्रलोभन तो कोई इसमें वाक्य नहीं है, और जब जब सरकार ने बुलाया सरकार के पास गए आपने, हमारे नेताओं ने जो विभिन्न किसान संगठन जो मिलजुल करके से लड़ाई कर रहे हैं, सभी संगठनों के किसान सरकार ने बुलाया, हम गए, आपने बात पूरी दृढ़ता से निष्पक्ष रूप से सरकार के सामने रखी, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही। मुझे ये लगता है सरकार की मंडी है, या अपने बहुमत वर्ग मंडी है, या किसान की बात सुन नहीं रही, या किसान विरोधी नीति भी इनकी हो सकती है। तो हमें अपील है प्रधानमंत्री जी से के वो कहा था हरियाणा में देसी भाषा में, जितना खेचोगे ना वो टूट जाएगा, और टूटने का मतलब नुकसान,
तो मैं तो प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह करता हूँ कि किसान देश का अन्नदाता है, ये देश का पेट भरता है, तो प्रधानमंत्री जी ने किसान को अपने गले से लगाना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए, मौन क्यों है, और गले से लगाकर इनकी समस्या का समाधान कर देना चाहिए। किसान अपने खेत में करेगा, प्रधानमंत्री जी आप राज करते रहना, हमें क्या क्या दिक्कत है, आप ना हमें आपके राज से दिक्कत है, ना हमने और किसी बात की दिक्कत है, क्यों पॉलिटिशियन तो है नहीं कि हम कोई प्रधानमंत्री जी को राजनीतिक तौर पर गिराने के लिए यहाँ आए हैं, ऐसे ही कोई किसान की मंशा नहीं है। जो तीन काले कानून है, जो हमें गुलाम बनाने वाले कानून है, जो खेती और किसानी को बर्बाद करने वाले कानून है, वो दूर कर दो और किसान आराम से अपनी खेती कर, एक वहां से एक मिनट वापिस लौटने में लगाएंगे। मान साहब, दिल्ली में जिस जगह किसानों किसान भाइयों के द्वारा, किसान नेताओं के द्वारा धरना दिया जा रहा है, वहां पर बच्चे भी, महिलाएं भी, बुजुर्ग भी, सब लोग मौजूद हैं और कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है। अब हम उनको शहादत का दर्जा दें, शहीद का दर्जा दें, या फिर ऐसा दर्जा दें कि सरकार घमंडी होने के कारण उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पीड़ा है, पीड़ा इंसान को पता नहीं कहाँ तक ले जा सकती है। आज किसान को इन काले कानून से पीड़ा है उनके दिल में, और उस पीड़ा से पीछा छुड़वाने के लिए हम दिल्ली के दरवाजे पर बैठे हैं। महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, तो सभी वहाँ उस पीड़ा को लिए बैठे हैं। और अभी एक तरह की और पीड़ा होगी, कई हमारे बुजुर्गों की जान चली गई, एक हमारे इसके बड़ौदा हल्के के प्रोपर बड़ौदा गांव का अजय लड़का था, रात को ठीक था, सुबह उठा और उसकी मौत हो गई सर्दी की वजह से। तो देखिए, दुखदाई तो बात है, लेकिन आंदोलन सब जायज है, हम वो दुख भी सहेंगे, जो हमारे साथी चले गए वो दुख भी हम सहेंगे, भगवान पर भरोसा है हमने। और अलग के क्या यकीन है, जिस तरह की सरकार की नीति है, जो जिस चाल पे सरकार चल रही है, आगे क्या भरोसा है, कितने और बेमौत वहाँ, मतलब बेसमय की मौत का शिकार हो सकते हैं। अभी तो भगवान की कृपा है, उस तरह की सर्दी भी नहीं हो पाई, जिस दिन खतरनाक सर्दी बढ़ गई बारिश के साथ, धुंध के साथ, तो वहाँ पता नहीं हमारे कितने की जान जाएगी। सर, इन सब दुर्घटनाओं का जिम्मेदार अगर तो मिस हैपनिंग होती है, या जिनके साथ मिस हैपनिंग होगी, जिनके परिवार का कोई सदस्य चला गया, आपका कोई साथी भी छोड़ गया आपसे, इन सब की जिम्मेवारी किस पर आती है अल्टीमेटली? देखो, अनदेखी की वजह है, सरकार अनदेखी कर रही। सरकार अगर अनदेखी ना कर किसान की बात सुन रहे, तो मैं तो पहले कह चुका हूँ अपने घर चल जाएंगे हम, तो उसमें जिम्मेदारी जो किसान विरोधी व्यवस्था है, सोच है, उसको मानने जाना चाहिए। और जो किसानों के हमसे इस आंदोलन में भी छुट गए हैं, सरकार ने, पंजाब सरकार ने तो कहा है, तो 1 करोड़ रुपये एक नौकरी देने की बात करी, मेरी प्रदेश की सरकार से भी ये समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से मेरी पुरजोर ये मांग है मुख्यमंत्री जी से कि जो आंदोलन में शहीद हो गए हैं, जिनके प्राण चले गए, उनके परिवारों की सुध ले, और पंजाब के पैटर्न पर, उसकी तरज पर, उन किसान परिवारों का भी ध्यान करें। मान साहब, सरकार का ये कहना है कि हम संशोधन के लिए भी तैयार हैं, अमेंडमेंट के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अब किसानों ने ये कह दिया कि यस और नो की बात होगी, हाँ या नहीं की बात होगी, इसमें आपका क्या तर्क है? ये तो वही बात होगी, पंचायत होगी पतलाड़े के ऊपर, मैं पतलाड़ा तो उड़ी पड़ेगा। अब वो कहाँ है वो संशोधन? अगर वो संशोधन सही रूप में लाए जाए, ये सिर्फ अभी गुमराह है, करने का तरीका है सरकार का। और सीधी सी बात है, नीति एक्ट खत्म कर दो ना, खत्म करो, पार करो। सर, आगामी रणनीति क्या रहेगी? अब आप आगामी पढ़े बस, और आगामी रणनीति के थे आंदोलन को कैसे तेज करेंगे? नहीं, तेज ही आंदोलन तो दिन पर दिन लोगों के काफिले बढ़ते जा रहे हैं। अब हम तो सत्याग्रह कर सकते हैं, हम हिंसक आदमी तो है नहीं, महात्मा गांधी की विचारधारा पर चलने वाली भारतीय किसान यूनियन है, वो तो आर पार का आगामी रणनीति का तो मतलब ही होगा, हम अपना सिर फुड़ाने जाके सरकार के साथ, सरकार यहाँ से गए, सरकार ने दिल्ली दरवाजा बंद कर दिया, हम वही बैठ गए। इससे बढ़िया और आंदोलन की रूपरेखा क्या हो सकती है? और पढ़े हैं, पढ़े रहेंगे जब तक ये कानून रद्द नहीं होते। देखिए, ये थे हमारे साथ किसान नेता
भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मांझी, इन्होंने स्पष्ट तौर पर हमें सारी विस्तृत जानकारी दे दी किसानों का जो आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, किसानों का आंदोलन जो देश भर में चल रहा है, कि हालांकि विश्व भर से उसका समर्थन मिल रहा है। इन्होंने यह भी जानकारी दी कि ये महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर विश्वास रखते हैं, हिंसा का मार्ग नहीं अपनाना चाहते, अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं, चलते रहेंगे। आगे सरकार इनकी बातें मानेगी तो ठीक है, अन्यथा ये वहाँ पड़े हैं। इसके अलावा जो किसान भाई इनसे बिछड़ चुके हैं या जिनकी दुर्घटनावश वहाँ जान जा चुकी है, पंजाब सरकार ने उन्हें मुआवजा राशि और नौकरी देने का प्रावधान किया है, कि इनका भी राज्य सरकार से भी अपील है कि वो भी पंजाब सरकार के पैटर्न पर ऐसे लोगों को शहादत का दर्जा दे और उनके लिए कुछ मुआवजा राशि और नौकरी का प्रावधान करे। मेरे साथ एक और किसान नेता है मेहताब सिंह जी। मेहताब सिंह जी, अब आप बताइए कि ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसान नेताओं का आंदोलन चल रहा है, किसान भाइयों का नेता चल रहा है, जो 3 कृषि कानून रद्द करने की बात की जा रही है, मांग उठाई जा रही है पिछले 13 दिनों से, और सर्द भरी रातों में, ठिठुरती रातों में किसान सड़कों पर पड़े हैं, उनके साथ बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, क्या इसमें सरकार की असंवेदनशीलता नज़र आती है कहीं ना कहीं? बिल्कुल, और क्या कहेंगे हम। अब एक बात बताइए, अब सरकार का लड़ाई लट से तो हम कर नहीं सकते, हम तो अपना मांग कर सकते हैं, अपने आप को तंग कर सकते हैं, चाहे उसमें हमारी जान जाए। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जब इन्होंने हमारा रोज़गारी ख़त्म कर दिया, हमने मरना तो आ ही गया, हम यहाँ मरने से अच्छा है कि हम वहाँ मरें, कम से कम कल आने वाली हमारी जो जनरेशन है ये तो बोलेगी भाई हमारे बुजुर्ग कम से कम अपने काम के प्रति और उसके प्रति अपना नहीं यहाँ काम चला था, वहाँ शहादत दे दी, हम शहादत में तो आ जाएंगे। वो मानने चाहे हमें वो देशद्रोही बताएं, चाहे हमें वो मिलिटेंट बताएं, कुछ भी बताएं, कानून सरकार तो कहेगी, लेकिन कम से कम हमारे जो भाई हैं, हमारे जो छोटे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, वो तो हमें समझेंगे भाई ये किया, और हमारी मजबूरी है ये। मेहताब जी, इस समय जो आपका आंदोलन चल रहा है, किसान नेताओं का आंदोलन चल रहा है, किसान भाइयों का आंदोलन जो चल रहा है, उसको देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी समर्थन मिल रहा है, इससे यह साफ जाहिर होता है कि जो किसान है वो अन्नदाता है, इसको कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसको कहना कोई गलत नहीं है। विदेशों से समर्थन मिल रहा है, पूरे हिंदुस्तान से सरकार किसानों को समर्थन मिल रहा है, इससे यह साबित होता है किसान एकता जिंदाबाद, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, अब ठीक है बात ये हमारी, किसान एकता जिंदाबाद, बिल्कुल सही है आपकी बात, और एकता है तभी हम वहाँ पड़े हैं, अकेले अकेले तो वहाँ बैठ नहीं सकते, एक अकेला अकेला ना कुछ कर सकता है, और सरकार हमें कुछ भी बता दे इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये इससे ही मतलब सरकार को सोच लेना चाहिए कि हमारा देश, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, विदेश तक भी हमारे साथ खड़े हैं, तो इससे ज़्यादा मतलब और हमने कहने की आवश्यकता क्या रहेगी। सर, अब किसान नेताओं का ये कहना है कि आगामी 14 तारीख को देश भर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा, इस रणनीति के बारे में क्या कहना है? बिल्कुल करेंगे जी, करो और मरो की स्थिति है हमारे लिए, तो करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास चारा क्या है? शांति पूरे ढंग से, प्रिय ढंग से हम ये काम सारे करेंगे जो हमारे नेताओं के आदेश होंगे, हमारे ऊपर लाइन के जो नेता हैं हमारे, जैसे आदेश होते हैं चलते रहेंगे, करते रहेंगे, लेकिन अहिंसा हम नहीं करेंगे, ये हमारा पक्का निश्चित तौर से हमारा फैसला है। देखिए, ये थे हमारे साथ दूसरे किसान नेता मेहताब सिंह खाद्यान्न जी, जिन्होंने यह भी बताया कि वो भी अहिंसा के मार्ग पर विश्वास रखते हैं, महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, इससे सरकार की असंवेदनशीलता का पता चलता है कि सरकार अपने लोगों के प्रति कितनी को वो है। इन्होंने यह भी जानकारी दी कि देश के किसान को देश ही नहीं बल्कि विदेशों भी समर्थन प्राप्त है, इससे भी सरकार को सीख लेनी चाहिए, सबक लेनी चाहिए, किसान वास्तव में एक अन्नदाता है, कोई आतंकवादी नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं है, जो अपनी जायज़ मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरने पर बैठा है, उनकी मांगों पर सरकार विचार करे और तुरंत उन 3 कानूनों को रद्द करे जो इनको ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। मेरे साथ एक और नेता हैं श्याम सिंह राणा जी। राणा जी, मान साहब, आप इस आंदोलन के बारे में और इस आंदोलन की रूपरेखा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आंदोलन की देख रूपरेखा तो जो शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन जो चल रहे हैं, रणनीति तो हमारी ये भी किसी प्रकार की हिंसा न हो, शांतिपूर्वक तरीके से जब अपनी मांगों पर जो है डटे रहें और सरकार पर दबाव बना के रखें शांतिपूर्वक तरीके से, ताकि सरकार जो हमारी मांगों को सुने और उन पर जो है मानने उनको। सर, आप नेताओं का कहना है कि जब तक सरकार मांग नहीं मानती तब तक आप लोग धरने पर बैठे रहेंगे, चाहे उसमें 2 महीने लगे, 6 महीने लगे, साल लगे, 2 साल लगे, इसका क्या अपने जो निश्चय किया है वो कहाँ तक तर्क संगत है? देखिए, जब आदमी का रोजगार जो चला जाता है, आर्थिक तंगी के अंदर आज किसान जो आत्महत्या कर रहा है घर पे,
घर पे मरने से अच्छा तो हम आंदोलन करके मरे, सड़क पे आके मरे, ताकि आने वाले जो हमारी जनरेशन है वो याद करे कि हमारे पूर्वजों ने जो है हमारे लिए, हमारी रोजी रोटी के लिए जो है आंदोलन किया, उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो याद रखे हमें। और घर में तो सभी मरते आत्महत्या करने, आत्महत्या करने से अच्छा है अकाम लड़ाई लड़के मरे, शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन करें, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जो हमारा रोजगार जो धंधा हमारा सरकार छीनने जा रही है उसके लिए लड़ाई लड़े और सड़कों पर आगे जमा अपनी शहादत दें। मान साहब, विदेशी फंडिंग, मान साहब कहा यह भी जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण के दौरान विदेशों से फंडिंग हो रही है। नहीं, इस तरह की बात तो नहीं है। किसान अपनी लड़ाई लड़ने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है और ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कोई सरकारी बात हो सकती है। और जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं माननीय राकेश टिकैत जी और जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं युद्धवीर जी, उनके सफल नेतृत्व में किसान आंदोलन अपने दम पर अपने सामर्थ्य से पूरा गति से अच्छी गति से आगे आंदोलन बढ़ता जा रहा है। और जब टिकैत साहब ने और उनका पूर्ण रूप से कमान उत्तर प्रदेश का, मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि जब हरियाणा पंजाब का किसान यहाँ गया तो आरोप लगने शुरू हो गए थे, ये तो खालिस्तानी है, ये तो हरियाणा से कुछ नहीं है, ये तो पंजाब है। तो भारतीय किसान के बैनर के नीचे टिकैत साहब ने जब उत्तर प्रदेश का मोर्चा लगा, आंदोलन की परिस्थितियाँ बदली और ये पूरे राष्ट्र का आंदोलन बन गया और सफल आंदोलन है। हम पूरे आत्मविश्वास में है और नहीं कोई इतना सा भी फर्क पड़ता, या तो सरकार में बात माननी पड़ेगी, ये काले कानून रद्द करने पड़ेंगे तभी वो किसान बचेगा। हम पूर्ण रूप से इसके लिए मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, हर तरीके से पूर्ण रूप से तैयार है। मान साहब, मौजूदा समय में जिस तरह से जो हरियाणा की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, इसे कुछ विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया इस आंदोलन के चलते, ऐसे में अगर कुछ और विधायक अपना समर्थन वापस ले लेते हैं सरकार से किसान आंदोलन के समर्थन में, तो इस सरकार पर क्या संकट पैदा हो सकता है? नहीं, ये तो राजनीतिक हो पड़ता रहेगा, जो कुछ पड़ेगा किसी पर। मेरा तो सवाल आपके सवाल पर ही हुआ है कि इनका काम समर्थन वापस लेने का क्या के? ये अपने बालकों ने बच्चों ने डाल कर ट्रैली में और अपने घर कुंड में ले गए एम एल ए, ये लीडर वो हमारे साथ पड़े जो लैंड का होना रहेगा, जो कुछ होगा सरकार गिरेगी ना गिरेगी, गिर गई है सरकार, ये तो राजनीतिक काम हो जाए, इलेक्शन तो फिर सरकार बन जाएगी कोई सी। अरे हम तो नुकाओ समर्थन वापस ले जा रहे हो नेताओं, अपने बच्चों ने महाराज की तरह ट्रैक्टर ट्रालियों में डाल कर ओढ़ा जो वो समर्थन करो, ये पॉलिटिकल खेल छोड़ दो, ये अखबार में सुन के मने समर्थन वापस क्या हो गया तेरे समर्थन लेने से, मराई भी सरकार की खान लग रहे, ओढ़ा जो कुंडली बार्डर पर टिकरी पर ओढ़ा जो अपने यूँ करो समर्थन, इस तरह लगेगा पता समर्थन के चीज़ होगा। देखिए, ये थे हमारे साथ किसान नेता रतन मान जी, मेहताब सिंह जी और मान साहब, जिन्होंने हमें विस्तार से अपने ऐसे आंदोलन की रूपरेखा की जानकारी दी और साथ ही साथ इन्होंने यह भी कह दिया कि जिन विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है वो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, राजनीतिक रोटियां ना सेके, अगर समर्थन वापस ही लेना है तो अपने बच्चे को और अपने परिवार को हमारे की भांति ट्रैक्टर ट्रालियों में लाकर टिकरी बॉर्डर पर आकर हमारा समर्थन दो तो हम मानेंगे कि आप लोग समर्थन है। ये तो पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकल इशू है, ये राजनीति है इन सब की। सरकार गिरे भले ना गिरे इनसे इनको नहीं फर्क पड़ता, इनका सिर्फ एक और एक ही मुद्दा है और एक और एक ही मकसद है कि इन तीन काले कानूनों को रद्द किया जाए जिन्होंने सरकार, जिन्होंने किसानों को सड़कों पर ला दिया है, जिन्होंने किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया है। साथ ही साथ इन नेताओं ने समाचार एक्सप्रेस से बातचीत में यह भी क्लियर कर दिया है कि ये अपनी मांगों पर अड़ी हैं, ये वहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मानती। यस और नो वाली बात इनके बिल्कुल ठीक है, बाकी जैसे इनके आला अधिकारी, जैसे इनके नेता इनको आदेश करेंगे वैसे ये कार्रवाई अमल में लाएंगे। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.